हेलो एंड वेलकम टू टीवी का पटाका। वेल दोस्तों, तनीषा शर्मा केस में आई एक और बड़ी अपडेट। शज़ैन मोहम्मद खान के ऊपर एक बार फिर से मंडराए मुसीबतों के बादल। जी हाँ दोस्तों, हो चुकी है शज़ैन के केस की सुनवाई और आखिर क्या बोला है जज ने, बताएंगे आपको पूरी की पूरी अपडेट्स। लेकिन इससे पहले चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना आप बिल्कुल ना भूलें। वेल दोस्तों, आपको बता दें 24 दिसंबर को तनीषा शर्मा ने हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह दिया था और उसी दिन तनीषा की मां ने उनकी बेटी की हत्या का इल्ज़ाम उनके को एक्टर शज़ैन मोहम्मद खान के ऊपर लगा दिया था। तुरंत ही पुलिस हरकत में आई और शज़ैन को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद से ही तनीषा के केस के अपराधी माने जा रहे हैं और कोई नहीं बल्कि शज़ैन मोहम्मद खान। कहा जा रहा है कि उन्हें पुलिस कस्टडी में रखा गया है। बार बार उनके बदलते बयान तनीषा के केस में शज़ैन के खिलाफ पुख्ते सबूतों का काम कर रहे हैं। एक तरफ जहां उन्होंने बोला था कि तनीषा और उनके बीच का ब्रेकअप श्रद्धा वॉल्कर केस की वजह से हुआ, तो वहीं दूसरी तरफ ये बात साफ हुई कि ऐसा कुछ भी नहीं था। दोस्तों, आपको बता दें कि शज़ैन की सीक्रेट गर्लफ्रेंड का भी पता लगाया है मुंबई की वालिफ पुलिस ने। इसी के चलते कोर्ट में सुनवाई पर लगातार तारीख पे तारीख मिल रही थी शज़ैन को। लेकिन ऐसे में दोस्तों, हाल ही में 13 जनवरी को मुंबई के कोर्ट में सुनवाई हुई है शज़ैन के केस की और जो बेल की अपील डाली गई थी वो भी रिजेक्ट हो गई। जी हाँ दोस्तों, यानी कि शज़ैन मोहम्मद खान की एक बार फिर से बेल की अपील को रिजेक्ट कर दिया गया। उन्हें दोबारा से जेल में ही रहना पड़ेगा। पुलिस कस्टडी में उन्हें अभी भी राहत नहीं मिल सकती। वहीं उनका परिवार पूरे तरीके से इस कोशिश में जुटा हुआ है कि किसी तरीके से अपने भाई को वो गुनहगार साबित ना होने दे। अपने भाई के बचाव के लिए अब शज़ैन का परिवार पूरे तरीके से तैयार है और हाई कोर्ट में अपील डालने वाला है। आप क्या कहेंगे, हमें अपने व्यूज कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना आप बिल्कुल ना भूलें।